नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे न्यूज एक्सप्रेस 24 आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी कुछ समझाऊंगी दरअसल देखिए आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो मुद्दा काफी ज्यादा ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है एक राज्य के अंदर तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर आज हम किस चीज के बारे में और क्यों बात कर रहे हैं दरअसल हमारे देश के अंदर मौजूदा पूर्वोत्तर के राज्यों को हम अक्सर देखते हैं कि वो मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग थलग सा हो जाते हैं आज बदलते भारत के साथ सरकार ने इन राज्यों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश की है कई सड़कें बनाई हैं रोड बनाए हैं कई राष्ट्रीय मार्ग बनाए हैं ताकि जो ये सेवन सिस्टर के नाम से ये जो स्टेट्स जानी जाती हैं इन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके लेकिन आज इस तरफ के राज्यों में एक मणिपुर के अंदर ऐसी हिंसा भड़क रही है जिसकी हिंसा की चिंगारी यहां रहने वाले यानी दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों को सता रही है और जिनके घर परिवार आज इस हिंसा की आग में जल रहे हैं ये परेशान है इन लोगों से भी हमने ग्राउंड पर जाकर बातें की क्या कुछ बातें की उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे और इन्होंने क्या कुछ कहना है इन लोगों का वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा संक्षेप में ये बताएंगे कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है जिस कारण ये इतनी ज्यादा हिंसा बढ़ती जा रही है और जिस कारण केंद्र सरकार को भी यहां पर अपनी करनी पड़ रही है मणिपुर की, की, के के की, की, की सरकार ने ये आदेश तक दे दिया था कि हिंसा करने वालों को लोगों को देखते ही गोली मार दी जाए अब ये आखिर में पूरा मामला क्या है जिस कारण से इतनी ज्यादा तनातनी इस राज्य के अंदर हो गई तो दरअसल तीन मई को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके बाद ये पूरा राज्य आग में समा गया इस पूरी हिंसा की वजह मणिपुर हाई कोर्ट का एक आदेश था इस आदेश में हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो दस साल पुरानी सिफारिशों को लागू करे जिसमें गैर जनजातीय मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात कही गई तीन मई को हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद इम्फाल घाटी में स्थित मैतई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय के बीच हिंसा बढ़ कुकी समुदाय के लोगों ने इस बात का विरोध किया मैताई मणिपुर में प्रमुख जातीय समूह अट्ठाईस लाख की है इसमें मैतई लगभग जो लोग हैं वो तिरपन फीसदी है और मणिपुर की भूमि क्षेत्र का लगभग दस प्रतिशत हिस्सा जो है इन्हीं लोगों के कब्जे में है वहीं मणिपुर के अंदर कुकी जनजातियों की जो कुल आबादी है वो तीस फीसदी की है कुकी जनजाति मैथी समुदाय को आरक्षण देने का विरोध करती आई है इन जनजातियों का कहना है कि अगर मैथी समुदाय को आरक्षण मिल जाता है तो वो सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वंचित हो जाएंगे उनमें कहीं ना कहीं इस बात का डर है कुकी जनजातियों का ऐसा मानना है कि आरक्षण मिलते ही मैत ही लोग अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे तो ये इन दोनों के बीच जो अभी कलेश एक तरीके का देखने को मिल रहा है जो परेशानियाँ जो हिंसा देखने को मिल रही उसके पीछे का एक कारण है अब दिल्ली के अंदर आज जंतर मंतर पर भी हमने देखा कि कुछ मेतई समुदाय के लोग थे कुछ लड़कियां थी कुछ लोग थे कुछ बच्चे आए हुए थे कुछ स्टूडेंट्स थे कुछ नौकरी पेशा लोग थे उनसे हमने ग्राउंड पर भी बातचीत की उन लोगों ने क्या कुछ कहा वहां की हिंसा के बारे में जब वो लोग अपने मां बाप से बात करते तो आप ये जरूर सुनिए पूरी इस रिपोर्ट को हमारी देखिए नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना आप लोग शुरू कर चुके हैं मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे आप ये पूरा यहाँ का ये जो नजारा देख रहे हैं आप बता दें जंतर मंतर पर भी इस वक्त हम मौजूद हैं लेकिन ये सभी लोग मोस्टली जो है ये मणिपुर से है मणिपुर के अंदर जो हिंसा की आग भड़क रही है उसका नज़ारा हर कोई देख रहा है लेकिन अब आपको बता दें कि जो हिंसा वहां पर हो रही है उसको लेकर अब दिल्ली के अंदर भी आवाजें उठने लगी हैं इन लोगों का कहना है कि इनको जस्टिस दिया जाए वहां पर जो हिंसा हो रही है उसको रोका जाए क्योंकि वहां पर इनका कहना है कि जो बिजली पानी तमाम तरह की कनेक्टिविटी जो है वो भी रुक चुकी है तो इन्हीं लोगो ऐसी यहाँ हम लोग हालात सुनने में आ रहे हैं इस वक्त मणिपुर के क्या कुछ सुनने में आ रहा है अगर आपके माँ बाप से आपकी बात हो रही है हमारा माँ बाप से अभी बहुत परेशान है वहाँ से अभी घर भी नहीं है रहने की भी नहीं खाने की पीने की कुछ नहीं है और जो लोग जो रिफ्यूज लोग मोस्टली कुकीज़ कुकीज़ लोग ने पानी भी पॉइजन भी डाल रहे हैं हम लोग पानी की पानी पीने की पानी भी अभी अभी नहीं मिल रही है पीने के पानी की तक की समस्या हाँ हा, हा, इसलिए और पहले ये लोग ने शुरू हुआ अब ये लोग ने ये लोग ने पहले जो चुड़चानपुर एक डिस्ट्रिक्ट था जो वहाँ भी थोड़ा मैटी लोग कम है इसकी इस इसलिए ये लोग ने पहले एक रैली रैली चलाया वहाँ से इसके बाद ये लोग ने घर सारे घर मनी मैटे के घर को फायर किया बर्न किया इसके बाद सारे लोग मैट मई की लड़की लड़का लोग सब बच्चा और कुछ भी ये लोग कुछ भी नहीं सोचते ये लोग की दिन में कुछ भी जो क्या हट नहीं है ये लोग ने मारे मार डाल रहे पहले स्टार्ट हो रहे और हमारा भी आ, कुछ कैन इस टाइम तो हम हमारा जो आ, लोग तो कम है ना इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे कर करने की आ, कुछ आ, ताकत नहीं मिल रही इस टाइमिंग में इसके बाद ये लोग ने आ, पहले सारे सारे घर को बर्न किया मर्डर किया और सारे एक हमारे घर एक तक जलाए जा रहे हैं वहाँ पर हमारा लड़की लोग भी मर्डर करे रेप कर रहे दे ओपनली रेप अवर मैटई पीपल मिटी गर्ल लेडी या बाई कुकीज हम हमने जो कहना चाहिए हम लोग को, कोई रिलीजन की बात करना नहीं चाहिए क्रिश्चियन की बात नहीं नहीं है ये तो मोस्टली जो कुकी रिफ्यूज़ेस वाला ने पहले शुरू किया हम लोग अभी बहुत परेशान हो रहे हम लोग अभी शांति चाहिए हम लोग यहाँ आए यहाँ जॉब करें पर हम लोग शांति में नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमारा घर वाला को जो पेरेंट्स वाला को अभी बहुत परेशान है रहने की घर नहीं है पीने की पानी नहीं है इसलिए हम अभी बहुत परेशान हो रहे हैं ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है मैम एक मिनट आपका नाम क्या है मेरा नाम नाथोई लक्ष्मी अच्छा तो ये बताइए कि अब आप, आप क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस तरीके के हालात वहाँ पर हैं उसको देखकर क्या कुछ सोच सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ वहाँ के हालात को वहाँ की सिचुएशन को अब हैंडल कीजिए और मेनली ये कहना चाहती हूँ जो लोग हिल एरिया में स्टक करके रह, रह रहे हैं अभी वो बाहर नहीं आ पा रहे उन लोगों को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द उन लोगों को वहाँ पे खाना पानी नहीं मिल रहा है दो तीन दिन हो गया है पहले सबसे पहले उन लोगों को रेस्क्यू कीजिए अब ये नहीं पता कि उन लोगों को उन लोगों के बीच से कितना मर गया और कितना भी जिंदा है अभी अब... आपको पूरे पूरे हालात भी नहीं पता है कि अच्छा आपके माँ बाप से बात हो रही तो वो क्या कुछ बता रहे हैं आप लोगों को बस वो लोग हमको यही बता रहे हैं कि टेंशन नहीं लेने के लिए वो भी नहीं चाहते कि वहाँ की जो भी हालात है हमको पूरा बताए कि हम यहाँ पे टेंशन ले लें कुछ हालातों में थोड़ा बहुत सुधार है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वहाँ पर वो देख रही है सब कुछ वहाँ पे तो देखते ही गोली मारने तक के आदेश दे दिए गए अब तो सरकार ने भी वहाँ पर आ गई तो क्या कहेंगे अब वो गोली मारने के लिए आदेश भी आदेश तो दे दिया लेकिन जो भी मिलीटेंस सरकार ने भेजा है वो उस एरिया में गया है वो मेन स्पॉट होता है वहाँ पे जा चुका है लेकिन जो भी उससे थोड़ा बाहर बाहर का एरिया जो नज़दीक नज़दीक जो होता है उसमें तो रात में भी वो लोग आते हैं घर में दरवाज़ा खटखटाते हैं ऐसा हो रहा है वो लोग आते हैं बंदूक ले कर घरों के बीच गुसा जाते हैं तो ऐसा था कि हमारे वहाँ के भाई लोग रात में वहाँ पे गार्ड कर रहे हो अच्छा मतलब इतना तैनात होना पड़ रहा है आप लोगों को खुद के परिवार वालों को देखना पड़ रहा है रात रात भर जाके कि हाँ। कभी कोई कहीं से कुछ आ ना जाए कोई दिक्कतें ना हो जाए हाँ। तो देखिए वहाँ के हालात जो है जो इनको सुनने में आ रही है स्टूडेंट्स हैं इनको जो जो हालात सुनने में आ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं इन्होंने काफी कुछ बोल रहे हैं कि, कि कितनी सारी जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं तो आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है वो भी हमें जरूर बताइएगा ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस ट्वेंटी